आज की हमारी थीम है, आज का हमारा टॉपिक है फैकल्टी कम पढ़ाई हो रही बेदम। ये सवाल और ये टॉपिक इसलिए क्योंकि हमारे IITs और IIMs दुनिया भर में क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। IITs की तुलना तो MIT से की जाती है, लेकिन इन दिनों ये संस्थान टीचर्स की भारी कमी से जूझ रहे हैं। IITs में जरूरत के मुकाबले आधी तो IIMs में दो तिहाई फैकल्टी से काम चल रहा है। ऐसे ही हालात देश के करीब सभी विश्वविद्यालयों में है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में फैकल्टी की भारी कमी की आखिर वजह है क्या, फंड की कमी है या योग्य टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं या लचर सिस्टम उन्हें आने नहीं दे रहा है, इससे एजुकेशन की क्वालिटी पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश आगे तो बढ़ रहा है लेकिन हायर एजुकेशन की हालत पस्त है। क्या देश को सुंदर पिचाई और डी सुब्बा राव जैसी प्रतिभाएं मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस IIT खड़गपुर से गूगल के CEO सुंदर पिचाई और देश में RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव निकले हैं, वहाँ शिक्षकों की करीब 50% जगहें खाली पड़ी हैं, यानी फैकल्टी की स्ट्रेंथ आधी है। जरूरत है 1435 फैकल्टी की, लेकिन काम चल रहा है महज 722 शिक्षकों से। जाहिर है इससे प्रोफेसर्स पर अतिरिक्त दबाव बनेगा और क्वालिटी एजुकेशन पर असर पड़ेगा सो अलग। ऐसे में देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में शिक्षकों की भारी तादाद में किल्लत कहीं हमारे विश्व गुरु बनने के सपनों में बाधा न बन जाए। खुद सरकार ने माना है कि देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग फैकल्टी के 11,000 से भी अधिक पद खाली हैं। आंकड़ों की बात करें तो सरकार के मुताबिक देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में करीब 19,000 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 6,200 पद खाली पड़े हैं। वहीं बात करें देश के IITs की तो यहां 11,000 से अधिक पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 4,500 से अधिक पद खाली हैं, जबकि IIM सरीखे प्रबंधन संस्थानों में 1,550 से अधिक पदों में से 450 से अधिक पद खाली पड़े हैं। सबसे खराब हालत इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी ISM धनबाद की है। ऐसे में जबकि हम पेट्रोलियम, लिथियम और कोबाल्ट जैसे अहम मिनरल्स को लेकर ग्लोबल रेस में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, ISM धनबाद का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ होना चाहिए 781 टीचिंग स्टाफ और है महज 314 लोगों की फैकल्टी, यानी 40% की टीचिंग स्टाफ के साथ ISM धनबाद चल रहा है। IIT BHU में जहां 48% टीचिंग वैकेंसी खाली पड़ी है, तो वहीं IIT कानपुर में 46%, IIT गुवाहाटी में 42%, IIT रुड़की में 38.5% से अधिक और IIT बॉम्बे में 37% टीचिंग फैकल्टी खाली है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो खाली पड़े पदों के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी 900 खाली पदों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 622 खाली पड़े पदों के साथ दूसरे नंबर पर है। हायर एजुकेशन में टीचिंग स्टाफ की कमी की वजहों की बात करें तो क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पास फंड की कमी है जिसके चलते खाली पद नहीं भरे जा रहे हैं, या इन्हें योग्य स्टाफ नहीं मिल पा रहे हैं जिसके चलते खाली पदों को भरने में दिक्कतें आ रही हैं? वजह जो भी हो, लेकिन इसे लेकर उदासीनता का रवैया आने वाले दिनों में देश पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि देश की दिशा और दशा को तय करने में थिंक टैंक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।